गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोगों का ये IUPAC का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हमने IUPAC पढ़ी थी, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे और 15th फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ चुके थे। एक लास्ट रह गया था, वो ये है कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये होगा, इस टाइप से कैसे भी दिखाओगे, सी डबल बॉन्ड ओ होगा, उसके दोनों तरफ फ्री वैलेंसी होगी, यहाँ कार्बन लगा होगा, ये कंडीशन है। जब कार्बन लगा होगा तो जो सबसे छोटा कीटोन है वो 3 कार्बन का होगा, 3 से कम कार्बन का कीटोन नहीं होता है। इसका अगर आप IUPAC नेम लिखेंगे तो एल्केन का ई हटाएंगे और उसकी जगह लगाएंगे ओन, नाम हो जाएगा एल्केनोन और उसकी पोजीशन लिखी जाएगी। अब ये वाला केस है, 1, 2, 3, 4, 5 हमने नंबरिंग की। कीटोन ग्रुप सेकेंड कार्बन पे है तो 5 कार्बन से होगा पेंटेन 2-ओन। सबसे छोटा कीटोन ये होगा, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन होना कंपलसरी है तो कम से कम एक कार्बन जरूर होगा। इसका जो नाम होगा 1, 2, 3 3 कार्बन से है प्रोपेन 2-ओन। इस ढंग से हम इनके IUPAC नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट, ये सब आपको कॉपी करना है बच्चों, जितने एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सारे आपकी कॉपी में होने जरूरी है। नेक्स्ट ये कंपाउंड है, अब इसमें नंबरिंग इस साइड से होगी क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन से होगा हेक्सेन 2,4-डाइओन। अब ये डी आ गया, मैंने बताया था आपको AEIOU एंड अगर Y आएगा तो E हटेगा, अब ये डी आ गया तो यहाँ पर E नहीं हटेगा। 3 होते तो ट्राइओन, 4 होते तो टेट्राओन। इस ढंग से IUPAC नेमिंग होगी। ये कीटोन की IUPAC नेमिंग थी। जितने एग्जाम्पल्स चाहे आप उतने दे सकते हैं। हमने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए, हर ग्रुप की आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ई हटाएंगे या एन हटाएंगे और उसकी जगह क्या हम ऐड करेंगे, किसकी पोजीशन लिखना ज़रूरी है, किसकी पोजीशन लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है IUPAC को ही हम जो आगे बढ़ाएंगे, सीनियोरिटी टेबल। IUPAC के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी एक टेबल बनी हुई है कि कौन सा ग्रुप सीनियर है और कौन सा ग्रुप जूनियर है। तो जो सीनियर ग्रुप है वो ऊपर लिखा गया है, जो जूनियर ग्रुप है वो नीचे लिखा गया है, इस ढंग से इस ऑर्डर में। जैसे अगर हम ये कहें एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड सीनियर होगा, कीटोन जूनियर, जो नीचे है वो जूनियर, जो ऊपर है वो सीनियर। जब ये जूनियर में होंगे तो इनका नाम ये होगा, ये लिखा है कार्बोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्लोरोफॉर्माइल, कार्बामाइल, साइनो। एल्डिहाइड के 3 नाम हो सकते हैं, एल्डो, ऑक्जो, इसको आप कह सकते हो ऑक्जो, और फॉर्माइल, कीटोन का कीटो भी हो सकता है, ऑक्जो भी हो सकता है। OH का जूनियर में हाइड्रोक्सी नाम होगा। और जब ये सीनियर होंगे यानी सफिक्स की तरह यूज होंगे, तब इनके नाम ये देखें जो कि हमने IUPAC में पढ़ा था। ये जो नीचे 4 ग्रुप हैं, NO2, नाइट्रो, X का मतलब हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, OR का मतलब एल्कोक्सी, जैसे OCS3 है तो मिथॉक्सी, OC2H5 है तो इथॉक्सी, ऐसे ही R का मतलब एल्काइल ग्रुप से ये। इनकी कोई सीनियोरिटी नहीं है नीचे वालों की, इनको हम अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जिसमें 2 या मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तब हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सीनियर ग्रुप होता है उसको कंसीडर करते वक्त सबसे लंबी कार्बन की चेन देखेंगे कौन सी है, उस चेन में फंक्शनल ग्रुप जो सीनियर है वो आना चाहिए और लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। हमने एग्जाम्पल लेना शुरू करा इस ढंग से। अब जैसे
ये एक कंपाउंड है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर और एल्कोहल जूनियर। इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिक्स कार्बन से होगा हेक्सेनोइक एसिड और फोर्थ कार्बन पे OH लगा है, एसिड के रेस्पेक्ट में OH ग्रुप जूनियर है और जब ये जूनियर होगा तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी, तो नाम हो जाएगा 4-hydroxyhexanoic acid। नेक्स्ट ग्रुप ये एमाइड ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। यहाँ पर चार फंक्शनल ग्रुप हैं और इन चारों में जो सबसे सीनियर ग्रुप है वो एमाइड है, CONH2, दिस इज द सीनियर ग्रुप। तो इसको कंसीडर करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट में आएगा हेक्सेनामाइड। अब ये तीन ग्रुप हैं, ये सीनियर ग्रुप है, तो इस सीनियर के बाद आप इसमें रैंकिंग नहीं करेंगे बच्चों की कौन सीनियर है और कौन जूनियर है, एक सीनियर बाकी सारे जूनियर, अब आप उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब जैसे NH2 ग्रुप को जूनियर में हम नाम देते हैं एमिनो, ये हो गया, ये टेबल आप एक पेपर पे बना लेंगे अपने सामने रखेंगे। CHO को जूनियर में ढेर, ये तीन नाम हैं, लेकिन आप एल्डो काउंट करना, एल्डो। OH का नाम है हाइड्रोक्सी। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये पहले आने चाहिए, एमीन और एल्डो में कौन पहले आएगा, पहला लेटर सेम, अब M और L को कंपेयर करेंगे, JKLML पहले आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगा, सेकंड पे ये और थर्ड पे एल्डो, और एल्डो की पोजीशन है 4, तो नाम हो जाएगा 4-amino-5-hydroxyhexanamide, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये सीनियोरिटी टेबल आपको ध्यान रखनी है और इसको लर्न करना है, ये याद रखना है कि सीनियर ग्रुप होगा तब क्या नाम देंगे, जूनियर ग्रुप होगा तब क्या नाम देंगे। अब जैसे ये कंपाउंड आता है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एल्डिहाइड और एक एल्कीन यानी डबल बॉन्ड। जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो ये पेंटेन तो है ही नहीं, ये तो पेंटीन है और पेंटीन भी 3 पोजीशन पे है, तो 5 कार्बन से पेंट, 3 पे इन, 1 पे अल, या पेंट 3 इनल। एल्डिहाइड की पोजीशन नहीं लिखी जाती है, लेकिन इस केस में अगर पोजीशन लिख देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, पेंट 3 इनल या पेंट 3 इन 1 अल, दोनों नाम सेम है लेकिन हम प्रेफरेंस इसको देंगे। नेक्स्ट नेम देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन से पेंट, लेकिन डबल बॉन्ड रिपीट हो गया 2 या more than 2 times, तो वहां ए लग जाएगा, पेंट की जगह हो जाएगा पेंटा, पेंट की जगह हो जाएगा पेंटा, 2,4-diene, 2 इन है इसलिए हमने लगाया डाई इन और ए लगा दिया क्योंकि डबल बॉन्ड 2 था, और 1-al, 1 पोजीशन पर अल है, तो पेंटा क्यों आया, यहां पर तो पेंट आया था क्योंकि डबल बॉन्ड 1 था, यहां पर 2 है तो पेंटा हो गया, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड 2 या more than 2 times होता है तो ए लग जाता है, ब्यूट की जगह ब्यूटा, पेंट की जगह पेंटा, 2 है, एक सेकेंड पोजीशन पे, एक 4 पोजीशन पे, तो डाई लग गया, इन 1 अल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे,
पेंटा 2,4 डाई इनल एक ही बात है, लेकिन ऊपर वाला नाम ज्यादा अच्छा है बच्चों और नीचे वाला कम अच्छा। गलत कोई भी नहीं है दोनों में से, दोनों ही सही है। तो ये हमारे चल रहे थे एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल हो गया था आपका 3 और ये हो गया था 4। इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी सेंड करूंगा, वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है घर पे। मैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं और भी, ये जो सीनियोरिटी टेबल है इसको आप ध्यान रखोगे, एक पेपर पे नोट करके सामने रख लोगे। नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड की बात करें, ये कंपाउंड है, ये तो दिखाई दे रहा होगा बच्चों। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर ग्रुप्स में ये अल्काइल ग्रुप हो गया, एल्कोक्सी हो गया, नाइट्रो हो गया, एल्कोहल हो गया, एमीन हो गया और एल्डिहाइड। सबसे सीनियर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड तो सीनियर। बाकी सब में फिर आप रैंकिंग नहीं करोगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा, उनमें अल्फाबेटिकली हम अरेंज करेंगे। अब आप देख लो 8 कार्बन से लास्ट में आ जाएगा ऑक्टेनल, ऑक्टेन ई हटा अल लग गया। अब कौन कौन से ग्रुप हैं, ये है OH, इसको जूनियर में बोलते हैं हाइड्रोक्सी, NH2 को बोलते हैं एमिनो, इसको मिथॉक्सी, 11th में भी पढ़ी होगी बच्चों तो समझ में तो आई रही होगी, नाइट्रो और मिथाइल। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो ABCD में A सबसे पहले आएगा, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब देखो कौन आएगा, H, ये सेकेंड पोजीशन पे आएगा। अब M में बच्चों ये दो केस हैं, यहाँ पर भी M आ रहा है, यहाँ पर भी M आ रहा है। सेकेंड लेटर यानी शुरू के 4 लेटर सेम आ रहे हैं, मैथ और मैथ। अब O और Y में O पहले आएगा, इसका मतलब ये थर्ड पोजीशन पे आएगा, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, क्योंकि M के बाद ABCD में N आता है, MNOP इस टाइप से। तो सबसे पहले आएगा एमिनो और एमिनो की पोजीशन है 4, तो नाम हो जाएगा 4 एमिनो। सेकेंड पे आएगा हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, फिर थर्ड पे आएगा मिथॉक्सी, 6 मिथॉक्सी, फोर्थ पे आएगा मिथाइल, 7 मिथाइल, और फिफ्थ पे आएगा नाइट्रो, 5 नाइट्रो। अब हो जाएगा ऑक्टेनल, ऑक्टेन से बन गया ऑक्टेनल, ये TRO है। स्पेलिंग का ध्यान रखोगे बच्चों, यहाँ पर स्पेलिंग के मार्क्स कट होंगे। तो दिस इज द UPSC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसकी नंबरिंग करते हुए चलना, शायद ये फिफ्थ होना चाहिए। कोई भी आप कंपाउंड ले लोगे उसका IUPAC नाम आएगा ही आएगा, कैसे भी आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कार्बन से होता है हेप्ट, हेप्ट और इन है क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और इन कौन सी पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे, तो नाम हो जाएगा हेप्ट 6 इन, इन का ई हटा एंड 1 एमाइड क्योंकि ये ए आ गया, हेप्ट 6 इन 1 एमाइड। कोई भी कंपाउंड आप ले लोगे IUPAC नेम्स आएगा ही आएगा, ये वाला कंपाउंड ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 5 से हो गया पेंट, 4 पे है डबल बॉन्ड, तो 4 इन 1 ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ सीनियर ग्रुप COOH है और जब COOH सीनियर होता है तो इसका ओइक एसिड नाम होता है। मतलब कोई भी ग्रुप होगा जब आप IUPAC नेम लिखोगे तो हमेशा सीनियर ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी, एक सीनियर, उसके बाद आप ये चेक नहीं करेंगे कि बचे हुए में कौन सीनियर है और कौन जूनियर है, उनको आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, एक सीनियर बाकी सारे जूनियर।
यही बच्चों एक थीम थी जिस वजह से कोचिंग का नाम रखा गया था सीनियर कोचिंग। आप सोच रहे होगे सीनियर कोचिंग क्यों रखा गया था, क्योंकि जब भी कोई सीनियर ग्रुप आ जाएगा तो प्रेफरेंस उसी को मिलेगी, बाकी सब जूनियर हो जाएंगे। तो अब आप लोगों को ये पता लग गया कि हम लोगों की जो कोचिंग है उसका नाम सीनियर कोचिंग क्यों है। मैंने इसलिए बता दिया, मैंने बहुत से लोग ये सोचते रहते कि सीनियर कोचिंग सर ने नाम किस वजह से रखा है। और एग्जांपल देखो, अब बच्चों रिवर्स क्वेश्चन आता है। ये तो मैंने क्या करा, स्ट्रक्चर दिया, उसका आपसे नाम पूछा, अब आप लोग मुझे नाम दोगे, मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यानी रिवर्स क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा फोर हाइड्रोक्सी थ्री नाइट्रो ऑक्टेनोइक एसिड। अब यहां पर आप ये देखो प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की है, ऑक्ट मीन्स आठ, यानी जो कार्बन की चेन आप बनाओगे आठ कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और एसिड ग्रुप लगा दो, ओ एक एसिड है, अपनी मर्जी से आप इसकी नंबरिंग कर दो, ये हो गई नंबरिंग। अब थ्री कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, थ्री पे नाइट्रो लगा दो, फोर पे हाइड्रोक्सी लगेगा, फोर पे हाइड्रोक्सी लगा दो। तो ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर रिवर्स हो गया, नाम से स्ट्रक्चर बनाना या स्ट्रक्चर से नाम लिखना कुछ भी आ सकता है। और एग्जांपल देख लो, फोर एमिनो पेंट टू इन वन अल। अब ये देखो कि इस कंपाउंड में चेन कितने कार्बन की है, फाइव कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 आप अपनी मर्जी से नंबरिंग कर देंगे लेफ्ट या राइट, वन पोजीशन पे अल यानी एल्डिहाइड लगा दोगे, टू पे डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया। अब फोर पे एन एमिनो, एमिनो क्या हो गया NH2, ये हो गया नाम। इसके बाद बच्चों यहीं पर एक आता है, आपने इलेवेंथ में भी शायद पढ़ा होगा, बॉन्ड लाइन नोटेशंस, बॉन्ड लाइन नोटेशंस। ये बहुत सिंपल है, इसमें क्या करते हैं, जहां पर कार्बन होता है, जहां पर दो लाइनें आपस में ज्वाइन कर रही होती हैं ऐसे करके, तो ये कौन होगा कार्बन, और जो टर्मिनल होगा यानी यहां पर ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, यानी अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर मान लें तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, 1 2 3 कार्बन की चेन है। समझ में आ रहा है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, इस ढंग से बना हुआ होगा, ये बॉन्ड लाइन बनी होंगी, यानी एक कार्बन ये है टर्मिनल पे, एक यहां पर है जहां पर दो लाइनें आपस में ज्वाइंट कर रही हैं, बाकी तो एच होंगे बैलेंसी फोर करने के लिए। ये एक कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम लिखना है हमको, लिख दो, बहुत सिंपल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसको सी बना लो एक रफ में, फिर डबल बॉन्ड ये सी, फिर सिंगल बॉन्ड ये सी, फिर सिंगल बॉन्ड ये सी, फिर सिंगल बॉन्ड ये सी, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसका नाम हो जाएगा पेंट वन इन। तो इसका भी नाम हो गया पेंट वन इन। अगर कभी आपको कन्फ्यूजन आए इसमें तो आप इसके रेस्पेक्ट में एक रफ कॉपी पे इस टाइप से बना लोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे डिजाइन बन के आएंगे बच्चों, इस ढंग से हमने कहा इसका IUPAC नेम लिखो, ये कंपाउंड है इसका नाम लिखो, कार्बन ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन की तो चेन हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ये बनाएं तो ये बन जाएगा 5 कार्बन की चेन। अब ये जो 3 कार्बन है इस पे 2 कार्बन इधर हैं और 2 कार्बन इधर हैं, यानी इस पे 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, ये और ये कंपाउंड सेम है। अब 3 कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप हैं, एक इधर और एक इधर, तो इसका नाम हो जाएगा 3-3-di-ethyl और 5 कार्बन से पेंटेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये ना आए समझ में तो रफ कॉपी में आप ये बना लेना। अब जैसे बच्चों कुछ भी बना दोगे, आपने बना दिया ये, इसका IUPAC नेम, दिस इज अ
ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप सोच रहे होगे इसका आईयूपीएसी नेम कैसे हो सकता है, कैसे होगा? देखो बच्चों, वन कार्बन ये है, टू कार्बन ये है, थ्री कार्बन ये है, इसके करस्पॉन्डिंग आप बनाओ, वन टू थ्री। टू कार्बन पे एक ये और है मिथाइल, यानी टू कार्बन पे एक मिथाइल है। अब आप इसका नाम लिख दोगे तो नाम हो जाएगा टू मिथाइल थ्री कार्बन से प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा वो यही हो गया, टू मिथाइल प्रोपेन। ये बच्चों केमिस्ट्री का मैजिक है, आप कुछ भी लिख दोगे, ये बना दोगे इसका भी आईयूपीएसी नेम, ये बना दोगे इसका भी आईयूपीएसी नेम, H बना दो इसका भी आईयूपीएसी नेम होगा, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, थर्ड कार्बन ये, फोर कार्बन ये, यानी वन टू थ्री फोर। टू कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है और थ्री पे, यानी अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बन जाएगा वन टू थ्री फोर, टू पे एक मिथाइल ग्रुप, थ्री पे एक मिथाइल ग्रुप। तो ये फोर कार्बन से इसका नाम हो गया ब्यूटेन, और एक टू पे मिथाइल है देखो और एक थ्री पे, तो टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो किसी का भी आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो, इसका, या और जब अगर ये समझ में नहीं आए तो इसको कार्बन एटम और बॉन्ड बना के दिखा सकते हो, इसको नहीं आया समझ में तो इसके करस्पॉन्डिंग भी बना सकते हो। ऐसे इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसके लिए हमने बच्चों पहले ये बना लिया। ठीक, एक अजीब सा लग रहा है देखने में कि इसका आईयूपीएसी नेम कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है, इसका भी हो सकता है, एम का हो सकता है, डब्ल्यू का हो सकता है, जिसमें सीधी सीधी लाइनें हैं उस, ओ का नहीं हो सकता जिसमें सीधी सीधी लाइनें, इसका आईयूपीएसी नेम हो सकता है, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होंगी उस लेटर का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसमें तो सब कुछ स्ट्रेट ही स्ट्रेट है बच्चों, इसमें भी सब कुछ स्ट्रेट है। अब एक बॉन्ड लाइन नोटेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल जाना पहचाना होगा आपका, पूजा करते हो तो इस टाइप से बनाते हो गए, ये इधर और बढ़ा दो। अब इसमें देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन कार्बन की चेन हो गई, फोर्थ कार्बन पे वन टू थ्री यानी प्रोपाइल, इधर आओगे वन टू थ्री प्रोपाइल, फोर फोर डाई प्रोपाइल, और सेवन कार्बन से हेप्टेन। टोटल जो चेन है प्रिंसिपल वो सेवन कार्बन की, इसके कर अगर मान लो ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप एक सेवन कार्बन की चेन बना लो, लो बन गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब फोर्थ कार्बन पे तीन कार्बन एक तरफ और तीन कार्बन दूसरी तरफ, वन टू थ्री वन टू थ्री, तो ये हो गया ये कंपाउंड, और ये कंपाउंड बोथ आर इक्विवेलेंट, तो इसका भी आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। ये होते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशंस। तो ये हो गई हमारी आईयूपीएसी का जो फोर्थ लेक्चर था, सब कुछ हमारी समझ में आ गया। इस सीनियरिटी टेबल का बड़ा ध्यान रखोगे बच्चों, इसको एक पेपर पे नोट करके आप अपने सामने रखोगे, दो तीन दिन तक प्रैक्टिस करोगे देख के, फिर ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, थैंक यू।